हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैंसी बेबी ड्रेस। तो इसमें से सबसे पहले देखिए, हमारा कपड़ा है वो 1.25 मीटर कपड़ा है और ये हम 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। इस तरीके से आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये अर्ज की तरफ से एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है और इसे इस तरीके से ओरिव में करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से इतनी पट्टी छोड़ दी है, ये पूरा कपड़े का अर्ज नहीं लिया है। यहाँ से देखिए, हमारा 17 इंच कपड़ा लिया है हमने, 17 इंच इधर से और 17 इंच इधर से। इसे कट कर लेंगे। इस कपड़े को यहाँ से भी अलग कर लेंगे। इसमें से हम अपना नेक के लिए कॉलर बनाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए, हमें ऊपर से ये लेना है, जो भी आपके बच्चे की ब्रेस्ट हो उसके नाप से लें। तो हमें यहाँ से लेना है 10, 10 है हमारी, तो हाफ लेंगे 5 और थोड़ा सा लेंगे सिलाई के लिए 1/2 इंच, तो 5.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है। आपकी जितनी कम या ज़्यादा हो उस हिसाब से कपड़े को लें। अब यहाँ से नाप लेंगे तो हमारा आ रहा है 10 और ये हमें 10 ही इंच कपड़ा चाहिए, क्योंकि हम छोटा ही बना रहे हैं। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो उसी हिसाब से कपड़ा लें। अब देखिए, ये हमने पूरा यहाँ से 10 इंच पर मार्क कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से इसे कट करना है। ये देखिए, ये हमारे ऊपर के लिए ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है कट की, और ये इसका कॉलर यहाँ पर आएगा इस तरीके से। इसमें जॉइंट करेंगे, वो सिलते समय बताएंगे। अब देखिए, इस कपड़े को हमें इस तरीके से फुल लेयर करना है, और जो भी आपको इसके पजामा के लिए, प्लाजो के लिए, ड्रेस के लिए, इसकी जो भी आप पैंट प्लाजो जो भी बना रहे हो बच्चे का, उसके लिए जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से ले लें। तो देखिए, हमें बिल्कुल जो लेंथ तैयार रखनी है वो 17 इंच तैयार रखनी है, और 2 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है जो ऊपर डोरी के लिए फोल्ड होगा और नीचे से सिलाई में जाएगा। तो अब इसे यहाँ से, और इसकी जो चौड़ाई है, आप प्लाजो बना रहे हो तो थोड़ा चौड़ा ही रखें बच्चे के हिसाब से, तो ये हमारा काफ़ी चौड़ा है। इस हिसाब से इसकी मोहरी चौड़ी रहेगी 8 इंच, और यहाँ से हमें इसके लिए 8.5 इंच पर एक मार्क करना है जो इसका आसन होगा, और यहाँ से भी हमें ऊपर से 8 इंच लेना है। तो इस तरीके से हल्की सी गोलाई कर देंगे यहाँ पर, और एक शेप डालेंगे इसमें इस तरीके से। तो अब इसे कट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम आसन के लिए कट करेंगे। फिर इसकी मोहरी की तरफ नीचे से तो इतनी ही रहेगी, इस तरीके से कर देंगे। इसका जो मेन आसन रहेगा वो हमारा 7 इंच है। देखिए, हमने 8.5 लिया है, 1.5 इंच तो हमारा ऊपर फोल्ड हो जाएगा, तो हमारा 7 इंच रह जाएगा। अब इसकी इस मोहरी की साइड को भी खोल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसकी शेप आएगी यहाँ से ये सिल के। अब चलिए इसे सिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके प्लाजो को सिलेंगे, तो इसकी आसन जज करेंगे। इसी मेथड से आप बड़ा भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर तव आने वाली सिलाई लगा लेंगे इसको खोल के। और अब इसका दूसरा वाला आसन भी इसी तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। अब देखिए, दूसरे आसन को सिलने से पहले हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है, नेफे के लिए जगह बनानी है। आप चाहे डोरी डालें या फिर प्लास्टिक डालें,
तरीके से यहाँ से नेफा फोल्ड करने के लिए छोड़ के और पूरे आसन को जॉइंट कर देंगे। अब देखिए दोनों आसन हमने जॉइंट कर लिए हैं। इसके बाद में हमें ये नीचे से मोहरी को फोल्ड करना है। तो पहला फोल्ड हमने हाफ इंच से कम लिया है और दूसरा फोल्ड हमने हाफ इंच कर लिया है। इसी तरीके से हमने दूसरी मोहरी को भी फोल्ड कर लिया है। अब इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमें आसन तक सिलना है और फिर आसन से हमें दूसरी तरफ से सिलके लेके आना है। अब हमें दूसरी तरफ से बिल्कुल बराबर जितनी हमने दूसरी मोहरी को सिला है उतना ही रखना है और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। छोटा या बड़ा कोई भी प्लाजो बनाएं तो उसको एक ही तरफ से लेके ना जाएं, एक पैर से आसन तक लेके आएं और फिर दूसरे पैर से फिर आसन तक, और अब इसमें डबल सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। अब देखिए इसका नेफा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर किनारी आई हुई है तो हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अगर किनारी नहीं हो तो पहले हाफ इंच का फोल्ड लें और फिर इस तरीके से फोल्ड लेके पूरी को राउंडली सिलाई लगानी है। तो हम हमारी किनारी आई हुई है, हम इसे ऐसे ही सिलेंगे। इस पूरे नेफे को फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए पूरे नेफे को हमने फोल्ड कर लिया है। प्लाजो हमारा पूरा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर की ड्रेस बनाएंगे। अब देखिए इसे यहाँ से हमें सबसे पहले जॉइंट करना है। देखिए पूरी सिलाई हमने लगा ली है और इसके बाद हमें इसे यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है। हाफ इंच से भी कम फोल्ड लेंगे और दूसरा फोल्ड भी हाफ इंच से कम लेंगे। बिल्कुल पतला सा इसे यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। पूरे को फोल्ड कर लिया है और इसके बाद में ये हमें यहाँ से भी जॉइंट करना है। अब देखिए इसे हमने यहाँ से भी जॉइंट कर लिया। अब इसके बॉटम को हमें फोल्ड करना है। तो बॉटम को हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है जैसे हमने ऊपर से फोल्ड किया है। अब देखिए इसके हमें कॉलर बनाना है और इस पे हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। तो इसका कॉलर हमें बिना बुकरम के ही बनाना है ऐसे ही। अब देखिए जो हमारा ये कपड़ा है ये 17 इंच है तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा और ये हमारा डबल है तो इस तरीके से ये हम थोड़ा चौड़ा ही कॉलर रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो ये हमने पट्टी चौड़ी कर दी है। देखिए इसे हमें यहाँ से थोड़ा सा उठाना है और करीब 3 से 4 इंच से हटा के और तब सिलाई को लगाना है। अब ये बीच से धागा कट कर लेंगे जो हमने बीच में गैप छोड़ा है और इसे सीधा कर लेंगे। इधर से भी ऐसे ही सीधा कर लेंगे। अब देखिए ये यहाँ से हमने इसे सीधा कर लिया और ये हमारा गैप खुला हुआ है और अब हमें इसे यहाँ से नापना है। तो इसके 20 सेंटर में हमें ये लगाना है। इस तरीके से करेंगे और सिर्फ फ्रंट साइड से हम जॉइंट करेंगे। तो ये हम 4 इंच पर जॉइंट करेंगे। यहाँ बीच से हम 2 इंच पर एक मार्क कर लेंगे तो खुलने के बाद हमारा 4 इंच हो जाएगा। ये जो इसका बीच का हिस्सा है ये हमारा 4 इंच हो गया है और 4 इंच हमने इसके 20 सेंटर में ये से खुला छोड़ दिया था। अब देखिए इसके भी यहाँ पर 20 सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ये लगाना है।
देखिए इसे यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाना है। और ये हमने बीच से खुला रख ही लिया था, तो पहले सिलाई को हमें यहाँ तक लगाना है। और अब ये जो हमने मार्क किया है इसको इसके अंदर लेना है, हमने यहाँ पर भी मार्क कर लिया था। और इसे थोड़ा पक्का करके लेंगे क्योंकि बच्चे की चीज को वैसे भी उधरने का ज्यादा ही डर रहता है। और देखिए ये हमने जो मार्क किए थे वो वाले मार्क आ चुके हैं दोनों कपड़े के ऊपर, तो ये हमें 4 इंच ही सिलाई करनी है। इधर से भी पक्का कर देंगे इसको और अब इसके ऊपर खाली सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमने जॉइंट कर लिया और इसमें पीछे आप आई हुक या फिर काज बटन कर सकती हैं, तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी पूरी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। इस पर कोई पैच वगैरह लगा लेंगे इस शोपीस के लिए। ये किस तरीके से बनाए हैं हमने आपको बता दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।